भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। इट्स ब्यूटीफुल ट्यूजडे इवनिंग एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। दर्शकों, देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो दरअसल सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन, रात का भोजन सब भारत की धरती पर बैठकर करते हैं, लेकिन भोग कहीं और लगा देते हैं। दर्शकों, ये लोग लगातार एक खाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार एक प्रक्रिया कर रहे हैं, लगातार भारत में चुप चुप कर, गुप चुप तरीके से, चुपचाप बहुत बड़ी बड़ी हरकतें हो रही हैं, जिसको हम कहते हैं कि देश की सुरक्षा में सबसे बड़ा विकार। कैसे देश की सुरक्षा में कैसे काम हो रहा है आप कहेंगे? ये ऐसे हो रहा है कि ये लोग बिल से बाहर निकलने लगे हैं। जो लोग कल तक छिपकर घर के दरवाजों के अंदर पूरी प्रोग्रामिंग करते थे, ऑपरेशंस करते थे, लेकिन खुशी के मारे ये सड़कों पर आ जाते हैं। ये चूहे, ये चूजे बिल से बाहर निकले और धर गए, यूएपीए अपने सर पर लगवा बैठे। मैं तो कहूंगा भारत सरकार से और जम्मू कश्मीर की प्रशासन से कि इन सभी के सर पर, माथे पर लिखवाइए देशद्रोह। ये यही डिजर्व करते हैं। जो जो लोग भारत में रहकर किसी और मुल्क के साथ ज्यादा हमदर्दी रखते हैं, तो हमारी कोशिशें होनी चाहिए कि हम उनको उनसे मिलवाने का काम करें, क्योंकि यही संस्कृति रही है, यही हिंदुस्तान की संस्कृति, यही हिंदुस्तान की सभ्यता है। लेकिन दर्शकों, पाकिस्तान से एक वीडियो जो कि सामने आया, वो थोड़ा परेशान करता है। वो दिखाता है कि कुछ लोगों के लिए धर्म कितना बड़ा है। वो दिखाता है कि सुरक्षा के पैमाने हमें और मजबूत करने होंगे, क्योंकि कुछ लोग हमारे देश में देश प्रेम कम करते हैं, थोड़ा अपने धर्म से प्रेम ज्यादा करते हैं, और इसकी बदौलत वो देश में अलग थलग हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उन्हें रहना यहां है, जॉब्स यहां करनी है, खाना यहां है, पासपोर्ट यहां का रखना है, सुरक्षा की जो सुविधाएं हैं वो यहां की लेनी है, चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं वो यहां की लेनी है, जो शिक्षा है वो भी यहीं की ग्रहण करनी है, सब कुछ यहीं का चाहिए, राशन भी चाहिए, स्कॉलरशिप भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पासपोर्ट पे फोटो भी चमचमाती चाहिए नीचे, इंडियन पासपोर्ट, लेकिन दिल में पाकिस्तान पासपोर्ट। ये गद्दार लोगों की जो गैंग है, ये बड़ी खतरनाक है। इस पर चुप रहने का समय गया, अब ये टाइम है तो काउंटर, अब ये टाइम है कि इस पर रिटेलिएशन होना चाहिए, अब ये समय है कि चुप नहीं रहना है, चुन 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 कर इन सभी को पाकिस्तान भेजना चाहिए। और मैं सरकार से मांग करूंगा कि इनके लिए बढ़िया बिजनेस क्लास बुक की जाए, क्योंकि हमारे देश का फायदा है कि हमारे देश से कुछ देशद्रोही कम होंगे। 1, 2, 3, 4 गिनकर चुनिए, इन्हें चिन्हित करिए और इन सबको पाकिस्तान भेजिए। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर वकार यूनिस साहब, उन्होंने दरअसल पोल खोल दी, पूरी की पूरी पोल खोल कर रखी। उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तानी टीम दरअसल जो इतने सालों से, इतने दशकों से खेलती आ रही है, वो दरअसल पाकिस्तान के साथ खेल नहीं रही थी, वो तो दरअसल धर्म की लड़ाई लड़ रही, वो तो दरअसल इस्लाम बनाम काफिर कर रहे। सबका सब खोल कर रख दिया चिट्ठा। तो क्या वकार यूनिस जब भारत के साथ खेलते थे तो वो ये सोचते थे कि ये मेरी यानी इस्लाम की और सामने जो क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, जिसको वो बॉल कराने जा रहे हैं, वो काफिर है, तो इस काफिर को हराना है, इस काफिर को मार देना है? क्या ये सोचकर खेलते, क्या पूरी पाकिस्तान की टीम यही सोचकर खेलती? क्या ये क्रिकेटर नहीं बल्कि लड़ाके जो धर्म का विस्तार करने के लिए लगे हैं? वकार यूनिस ने कहा कि उन्हें बड़ी खुशी हुई कि कैसे फील्ड में हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ रहा था ये लड़का, बड़ा खुश हुआ, नीचा दिखा दिया। इसके साथ ही वकार यूनिस ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बनी, दुनिया के जितने मुल्क थे, तमाम मुल्कों में जो जो मुस्लिम थे, सबने पाकिस्तान के जीतने पर जश्न मनाया, और ये भारतीय मुसलमानों के लिए भी नहीं, और दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि बात को सच होता हम सभी ने देखा। भारत की धरती पर इन गद्दारों ने जश्न मनाया, इन गद्दारों ने पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे लगाए, और अभी तक ये गद्दार भारत की धरती पर निवास करते हैं, खाना खाते हैं, भोग वहां लगाते हैं, चढ़ावा वहां चढ़ाते हैं। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए जो कि एक डिबेट क्लिप की है, जहां पर वकार यूनिस कहते नजर आ रहे हैं कि बड़ी खुशी हुई धर्म के नाम पर जो नीचा देखा। ये वीडियो देखिए।
डीपर और रिजवान जिस सेंसिबल तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वॉज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। दर्शकों देखा आपने कि किस तरीके से वकार यूनिस जो कि कल तक भारत की टीम के साथ ही खेलते थे, जो कल तक लड़ाई लड़ते थे, जो कल तक एक क्रिकेटर थे, लेकिन आज कैसे वो एक धर्म के पुरोधा बन गए, कैसे वो धर्म का झंडा लेकर खड़े हो गए। ये बातें चिंतित करती हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान में इस तरह के लोग हैं जो आज भी ये सोचते हैं कि भारतीय मुसलमान जो है वो उनका गाना गाते हैं। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं लेकिन भारत में भी ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान का, ये बात चिंतित कर दी। दो मुल्कों के बीच अगर क्रिकेट मैच होगा, खेल भावनाएं ठीक है, बहुत ही ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, खेल भावना ठीक है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर मुकाबला होगा तो मैं भारत का सपोर्ट करूंगा। दैट्स क्लियर, बहुत स्पष्ट है, इस पर कोई डाउट, कुछ भी, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं हो सकती। लेकिन किस तरह से भारत की धरती पर ये लोग, ये तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं, ये गद्दार भारत की हार पर जश्न जिहाद मनाते हुए नजर आए, और ये उनका पूर्व क्रिकेटर इस चीज को जायज ठहरा रहा है। वो कह रहा है कि भारतीय जो मुसलमान हैं वो काफी खुश हैं कि ठीक है, भारत की धरती पर पाकिस्तान कि जीत पर जो लोग जश्न मना रहे हैं वो दरअसल इस्लाम की जीत का जश्न मना रहे हैं। तो आईसीसी बोर्ड को तो दरअसल अब साफ कर देना चाहिए कि ये जीत है किसकी, ये इस्लाम की जीत थी या पाकिस्तान की एक क्रिकेट टीम की जीत थी, क्योंकि इस पर साफ स्पष्ट जवाब देना बहुत जरूरी है। और वकार यूनिस जो कि पूर्व खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने जो चीज कही है उसको हम महज इग्नोर नहीं कर सकते। ये वो संक्रमण दिखाती है, ये वो वायरस दिखाती है, ये वो बीमारी दिखाती है जिसका इलाज करना अब जरूरी है। क्योंकि इनका अगर ये कहना कि भारत में भी मुसलमान हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं और भारत में कुछ लोग समर्थन करते नजर भी आते हैं, तो ये दिखाता है कि कनेक्टिविटी तो है, नेक्सस तो है, जोड़ तो है, और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट तो है। इस कॉन्टैक्ट पर चोट करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है इनको कि इनको जेल में डाला जाए। क्यों जेल की तमाम सुविधाएं और संसाधन इनको दिए जाए, क्यों भारत की धरती पर एक मिनट भी इनको रहने का हक मिले, इन सभी को उठा के तुरंत पाकिस्तान भेजा जाए। जो पाकिस्तान जिंदाबाद करेगा वो पाकिस्तान जाएगा, ये मैसेज देना चाहिए, ये संदेश देना चाहिए। भारत देश के अंदर रहकर इन देशद्रोहियों को पनपते देने का अब समय नहीं रह गया, वो पनपन, वो ग्रो करना, वो समय चला गया, बहुत हो गई टुकड़े टुकड़े गैंग देशद्रोहियों की भरमार। अब एक बार, आखिरी बार करारा प्रहार ये जरूरत है। उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। देश में रहकर पाकिस्तान का गाने वालों की कोई कमी देश को कभी नहीं हुई, ऐसा पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी तमाम बार पड़ोसी मुल्क को लेकर यहां पर प्रेम झलका है। एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला जब कश्मीर के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे लगाकर खेल भावना को ठेस पहुंचा दी। इन लोगों ने एक खेल जो कि दो देशों के बीच हुआ था उसको दरअसल धर्म से जोड़ लिया। ऐसे में इन पर जांच हुई और जांच के बाद अब कार्रवाई। जेल जाने से बेहतर है कि इनको पाकिस्तान से जो प्रेम है उसके लिए पाक भेजा जाए। लेकिन उससे पहले लगातार अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कब तक ये लोग भारत में रहकर पाकिस्तान से अपना प्रेम जाहिर करते रहेंगे। क्या इन लोगों के मन में देशद्रोह का कोई खौफ नहीं? इन पर सवाल लाजमी है, इसको धर्म से देखकर नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जो भी लोग
भारत में टुकड़े टुकड़े होंगे, ऐसे नारे लगाते हैं। जो भी लोग भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे लगाते हैं, जो भी लोग अंदर ही अंदर भारत का बुरा चाहते हैं, उन पर देशद्रोह की कार्यवाही तो होनी ही चाहिए। साथ ही उनका जिस मुल्क से संबंध है, जिस मुल्क से उनका प्रेम है, उनको वहां पर भी भेज देना चाहिए। अब बात करते हैं पाकिस्तान से आ रही इस वीडियो की। इस वीडियो में एक जो टीवी चैनल के द्वारा एक लाइव डिबेट कराई गई थी, उसमें बैठे पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर कहते हैं कि ये दरअसल उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तान टीम का एक क्रिकेटर बीच मैच में ग्राउंड के बीचों बीच बैठ कर नमाज पढ़ रहा था, और ये वो नमाज हिंदुओं के सामने पढ़ रहा था। और रिजवान जिस सेंसिबल तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस भी थी जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। तो क्या ग्राउंड में जो अब तक क्रिकेटर मैच खेलते थे अब ऐसा नहीं है? अब वहां पर धार्मिक लोग मैच खेल रहे हैं क्या? क्योंकि ऐसा ही तो कुछ कहना है पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर का। उन्होंने कह डाला कि ये लोग जो मैच खेल रहे थे इनके सामने बैठकर नमाज पढ़ी और ये उन्हें सबसे बेहतर लगा, सबसे शानदार लगा। और इसमें उन्होंने सीधे जिक्र किया कि ये हिंदुओं के सामने बैठकर नमाज पढ़ रहा था। ऐसे में शायद उन्हें ये नहीं पता कि हमारे पास एक से बढ़कर एक पाकिस्तान से भी ज्यादा ताकतवर, पाकिस्तान से भी ज्यादा शानदार और पाकिस्तान से भी ज्यादा तेज तर्रार ऐसे खिलाड़ी हैं जो दरअसल इस्लाम धर्म को मानते हैं और भारत में उनकी पूरी निष्ठा है और वो भारत में ही रहते हैं। लेकिन इन्हें क्या पता था, इन्होंने तो सीधे आरोप लगा दिया कि दरअसल उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि कैसे एक व्यक्ति बीच मैच में नमाज पढ़ने लगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके चलते इस्लाम की जीत हुई है। ये इस्लाम की जीत इसलिए है क्योंकि पूरी विश्व, पूरी दुनिया आज जश्न मना रही है पाकिस्तान की जीत पर, पूरी दुनिया जश्न मना रही है। इसके साथ ही भारतीय मुसलमान भी जश्न मना रहा है, वो जश्न में डूबा हुआ है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान की जीत से उसको खुशी हुई है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये शब्द उनके सच साबित होते नजर आए, क्योंकि भारत में कुछ जगहों पर पटाखे फोड़े गए, भारत में कुछ जगहों पर पाकिस्तान की जीत के बाद जश्न मनाया गया। लेकिन ये जश्न था या ये जश्न जिहाद था, इस पर फर्क करना होगा। क्योंकि जब आप एक मुल्क के साथ मैच खेलते हैं तो क्या आप दूसरे मुल्क को हमेशा ही उसका जश्न मनाते हैं उसकी जीत का? ऐसा नहीं देखा गया। लेकिन पाकिस्तान के साथ होने वाले मैचों में जिस तरह से एकाएक कुछ लोग निकलकर बिल से बाहर आ जाते हैं और पाकिस्तान परस्ती में ना जाने क्या कुछ कह जाते हैं, पाकिस्तान परस्ती में ना जाने कैसी कैसी चीजें कर जाते हैं, पाकिस्तान परस्ती में वो देश के सामने एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण बन जाते हैं। देश में एक बार फिर ये मांग उठने लगी है कि पाकिस्तान से प्रेम करने वाले लोगों को अब पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो खाते यहाँ का हैं लेकिन गाते पाकिस्तान का हैं, उनकी भारत में तो कम से कम कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो भारत की हार पर ये लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे लगा रहे थे, इनको पाकिस्तान भेजना चाहिए, इफ नॉट व्हाई नॉट, क्यों ना भेजा जाए? इन सभी को भारतीय जेलों में क्यों रखा जाए? भारत का कोई भी कानून इन पर कार्रवाई क्यों करे? भारत की कोई भी सुविधा इनको क्यों मिले? भारत का पासपोर्ट इनको क्यों मिले? भारत में जॉब इनको क्यों मिले? भारत में सरकारी नौकरी इनको क्यों मिले? भारत में कोई भी संवैधानिक पद इनको क्यों मिले? भारत की सड़कों पर इनको क्यों चलने दिया जाए? इसके साथ ही साथ भारत का राशन इनको क्यों मिले? भारत की स्कॉलरशिप इनको क्यों मिले? शिक्षा इनको क्यों मिले? चिकित्सा इनको क्यों मिले? ये सब इनको क्यों मिले? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। ये सब के सब जाहिल लोग सिर्फ और सिर्फ गद्दार, और गद्दारों को सुविधा नहीं, गद्दारों को कुछ और दिया जाता। They should be kicked out of my country. इन सभी को kick out करना चाहिए भारत से। इन सभी को, इन पाकिस्तान परस्त लोगों को ज्वार भट्टा बनाने का और समय नहीं देना चाहिए। They should be sent back to their Pakistan, the beloved country of theirs.
इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल बख्शी साहब जुड़ गए हैं, विंग कमांडर भी हैं। प्रफुल बख्शी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है हमें समय देने के लिए। प्रफुल बख्शी साहब, देख रहे हैं क्या कुछ आप लोगों ने कितनी लड़ाइयां लड़ी देश को सुरक्षित रखने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ आपने लड़ाइयां लड़ी, लेकिन आज कुछ चूजे हैं जो पाकिस्तान से प्रेम को लेकर सड़कों पर आ गए हैं, खुलकर कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो छात्र हैं। प्रफुल जी, देखिए अब बात बिल्कुल क्लियर है। जैसे कि आप बोल रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले ये अभी नहीं कर रहे, ये कोई ना कोई बहाना ढूंढ के सपोर्ट करते हैं। चाहे 1979-90 का जो कश्मीरी पंडित का केस से लेके आप आगे चलिए, कंटिन्यूस गेम चल रहा है। वो फायदा उठा रहे हैं हमारी सॉफ्ट नीति का, जो नीति उनको इग्नोर करती है, हमारी सॉफ्ट नीति है, और जिसको कहते हैं आर वीक स्टैंड। आपके देश के अंदर अगर आपके दुश्मन देश की जयकार हो रही है, उसके झंडे दिखाए जा रहे हैं, आपके झंडे नीचे किए जा रहे हैं, इसका मतलब है दिस इज अ एंटी नेशनल एक्टिविटी एज फार एज माई डेफिनेशन गोज। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, इनको एनिमी की तरह ट्रीट किया जाए। प्रफुल बख्शी साहब, इनको पहचानेंगे कैसे? आज तो ये बिल से बाहर निकल आए, जश्न मनाते मनाते अपना जो जश्न जिहाद था उसको करते करते बिल से बाहर आ गए और चूजे पकड़ गए। लेकिन प्रफुल बख्शी साहब, सवाल ये है कि इनको पहचाना कैसे जाए? ये तो बहुत सारे गद्दार इस देश में छिपे हुए हैं, एक आखिरी अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या होगा इन पर चोट करने के लिए? देखिए ऐसा है, आप सीधी सी बात सुनिए, मैं जो कहूंगा वो बिल्कुल एब्सोल्यूटली, मैं हर जगह ये कह चुका हूँ, जम्मू और कश्मीर में आज और कल के बाद नहीं कुछ हुआ, हो रहा है। कश्मीर दो सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसको होना चाहिए, और एक टोटल कमांड एंड कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटी एक ही कमांडर के अंदर होनी चाहिए। जितने स्लीपर सेल्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको स्लीपर सेल्स डिक्लेयर किया जाए, और उन स्लीपर सेल्स को अब इकट्ठा करके उनको अरेस्ट किया जाए। दे मस्ट बी अरेस्टेड एंड प्रॉपर एक्शन शुड बी टेकन। स्लीपर सेल इसी के लिए नहीं है, स्लीपर सेल टोटली है। आपके पुंछ में 15 दिन से लड़ाई चल रही है, कैसे चल रही है? बिकॉज ऑफ स्लीपर सेल्स, सारी की सारी इंटरकनेक्टेड है। ये जो है उसी चीज को हिम्मत लेके 15 दिन से जो हो रहा है उसकी उससे हिम्मत लेके अब बाकी लोग भी सपोर्ट करने लगे हैं। तो इसका एक ही आंसर है कि इंडियन गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना चाहिए, लेट जम्मू एंड कश्मीर बी अंडर गवर्नर्स रूल टोटल एंड कमांड एंड कंट्रोल हैंडेड ओवर टू अ कोर कमांडर, एंड लेट ऑल द सेल्फ सिक्योरिटी फोर्सेज पैरामिलिट्री फोर्सेज बी अंडर हिज कमांड, और फिर आप अपना रूल लागू करिए, जो करना है एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी जो आपके रूल्स हैं उनको रिवाइव करिए। टाटा को क्या हुआ, क्या किधर गया वो टाटा? वो तो रिपब्लिक डे परेड के ऊपर जो लाल किले पर हुआ उसमें टाटा लगाना चाहिए था। क्वेश्चन ये है, हमारी नीतियां कमजोर हैं, माना हमारे मीडिया जोर से बोल सकती है, माना हम बोल सकते हैं, पर अपनी नीति कमजोर है और कमजोर नीति का फायदा उठा रहे हैं ये। प्रफुल बख्शी साहब, एक और चीज है जो बड़ी परेशान करती है, चिंता में डालती है, वो ये है कि वकार यूनिस, जो कल तक हमारे साथ भी क्रिकेट खेलता था, पाकिस्तान का पूर्व खिलाड़ी, वो कह रहा है कि दरअसल पूरी दुनिया जश्न मना रही थी जब पाकिस्तान की जीत हुई, जहां जहां जो जो मुसलमान था वो जश्न मना रहा था, तो ऐसे में भारतीय मुसलमानों ने भी जश्न मनाया, तो ये धर्म का मसला कब से हो गया? देखिए ऐसा है, ये धर्म का मसला ही है। आप अपने हम एक अपने नैरेटिव को कमजोर करते हैं। आपकी जो देश का विभाजन है धर्म के कारण हुआ, हिंदू मुसलमान के कारण, कश्मीर बना हिंदू मुसलमान के धर्म के डिफरेंसेस में, सारा का सारा वर्ल्ड में हिंदू या हिंदू मुसलमान है या क्रिश्चियन मुसलमान है, इनके बीच में लड़ाई चलती है। इट इज बैक टू द वॉर ऑफ सिविलाइजेशन, दिस इज द वॉर ऑफ क्रूसेड्स गोइंग ऑन बिटवीन द रिलीजन्स। ये जब तक हम कहेंगे नहीं और हमारे एंकर्स और हमारे मीडिया में नहीं बोलेंगे तब तक ये बोलेगा, हम अपना हमारा लोग बोलते हैं जी धर्म टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, ये ऐसी ऐसी बात है। अरे टेररिज्म का धर्म वही होता है
जो उसके गुरुओं का होता है, जो उसको सिखाने वाले होते हैं, और जो उनके जो रिलीजियस स्कूल्स होते हैं, जो उनका धर्म होता है, ये उनका धर्म होता है। और ये कश्मीर में फैल रहा है, हिंदुस्तान में है, क्यों आपका देवबंद में क्या बाबा है, देवबंदी की सिखाई है सारी, तो क्या हम करते क्यों नहीं, आप बोलते क्यों नहीं, इस पर प्रोग्राम क्यों नहीं करते, हम इन्वाइटेड क्यों नहीं होते उसमें बोलने के लिए, ये हमारी है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये जो धर्म का विस्तार की भी मैं इसको बात करूंगा, धर्म के विस्तार की जो सोच, जो माइंडसेट है, ये धीरे धीरे जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, अब ये खेलों में भी घुस गया है, और जिस तरीके से हमारे देश में भी कुछ मुसलमान जो भटक कर इस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे लगा रहे हैं, इनको जेल भेजा जाना चाहिए जहां पर ये भारतीय धरती पर ही रहें, या फिर इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए? प्रफुल्ल जी देखिए, ऐसा है, सिंपल सी चीज है, आपको पहले अपना रूल पोजिशन ठीक करिए। अपने रूल पोजिशन में क्या लिखा है, जब हमारी डॉक्ट्रिन क्लियर नहीं होगी इस मामले में, इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में, हमको क्लियर लिखना पड़ेगा ब्लैक एंड व्हाइट में, ऑल एंटी नेशनल एक्टिविटी इंक्लूडिंग एंड स्लोगनिंग ऑफ एनिमी शोइंग द एनिमी फ्लैग विल बी कंसिडर्ड एंटी नेशनल। लिख तो ले, हम तो कहें तो कम से कम पाकिस्तान को बाहर भेजे, पाकिस्तान को भेजे, इनको यहीं पर ठीक करेंगे। पाकिस्तान भेजने का मतलब क्या, वहां पर जाकर और मोटे हो जाएंगे, इनको यहीं पर ठीक करना चाहिए। इनको ठीक करने के तरीके हैं, कैसे नहीं हो सकते, अगर करने वाले बने तो हम तो तश्तरी पे इनके हुरियत को बैठा के दो सारी दुनिया घुमाते हैं, इनको तो एकरा भेज के दिल्ली मंगाते हैं, इनके बच्चों को तो बाहर पढ़ाने के लिए अलाउंस देते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे? प्रफुल्ल बख्शी साहब, तो आप खुद ही बताइए, आप इनके इनके धार्मिक स्थल को, आप हिंदुओं के धार्मिक स्थल के ऊपर टैक्स लगाते हैं, उनको चेक करते हैं, वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आपको तो अभी पता चला जम्मू और कश्मीर में रोशनी एक्ट था, अभी तो पता भी नहीं था, ये अंधेरी नगरी चौपट राजा हिंदुस्तान में चल रहा है, इसके कारण लोग अब हमारे को कि हमारे छाती के ऊपर पांव रख के चलते हैं, हमारी कमजोरी है, हमको बोलना सीखना चाहिए कि भारत कब ताकतवर बनेगा, ये पूछिए हमें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी साहब, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से और ताकत के साथ अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप सुन रहे थे, प्रफुल्ल बख्शी साहब थे, पूर्व सेना में विंग कमांडर रह चुके हैं और अब डिफेंस में एक्सपर्ट भी हैं। इन्होंने साफ कहा कि इन लोगों को यहीं पर ठीक करने की आवश्यकता है, और ये जो भारत की धरती पर दुश्मन देश का नारा बुलंद करते हैं, इनके लिए बस एक ही जवाब कि गद्दारों सुधर जाओ, वरना ना तो खर के रहोगे और ना घाट के रहोगे, जो ठाट है वो छिन जाएंगे और मिलेगी तो जेल की खाट और बढ़िया वाली सेना की डांट। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, कल एक बार फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे, अन्य मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।